आज हम सीखने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कैसे करें, यानी कि कोई भी व्यक्ति फॉर्म भरेगा तो उस फॉर्म को आप बनाएंगे कैसे, क्रिएट कैसे करेंगे, वो आप आज सीखने वाले इसी के अंदर। तो सबसे पहले अपन काम करेंगे कि किसी भी फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, यानी कि जैसे कि मैं आपको एक दिखा देता हूँ रेफरेंस वेबसाइट से। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक इस प्रकार का आपका छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, इसी के अंदर आपको जाना प्लगइन्स के अंदर, यानी कि एक प्लगइन्स इसके लिए इंस्टॉल करना बहुत जरूरी। अब प्लगइन्स आपको फ्री में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल नंबर दे रखे, उसके ऊपर आप अपना स्क्रीनशॉट किसका भेजना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके, कम से कम 5 लोगों को शेयर किया हुआ होना चाहिए, प्लस कमेंट होना चाहिए, सब्सक्राइब किया हुआ होना बहुत जरूरी। उसका स्क्रीनशॉट आप भेजोगे तो आपका कोई भी प्लगइन्स फ्री में आपको दिया जाएगा, यानी कि जो भी प्लगइन्स होते हैं वो आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और पेड में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, उसके ऊपर जाके आप पेड में भी ले सकते हो। पेड में लेंगे तो आपको फायदा ये रहेगा कि आपको 99 रुपये के अंदर 100 से ज़्यादा प्लगइन्स आपको बिल्कुल कम मात्रा में मिलते हैं, यानी कि एक प्लगइन्स का 1 रुपये से भी कम रेट होता है। तो चलिए आज अपन काम करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करना है। जैसे ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। अब प्लगइन्स के अंदर आपको करना क्या है कि फॉर्म बनाने का कौन सा प्लगइन है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना WP फॉर्म। आप जैसे WP फॉर्म यहाँ पे टाइप करोगे तो आपके WP लिखोगे तो भी आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे फीचर आ जाएंगे, कौन कौन से आपको इनमें से चाहिए, यहाँ पे बहुत सारी लंबी लिस्ट है। और आप WP फॉर्म लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्म WP फॉर्म। अब जैसे WP फॉर्म लिखेंगे तो आपके सामने WP फॉर्म का जो डैशबोर्ड होगा वो खुल के आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आता है WP फॉर्म और यहाँ पे इसके इंस्टॉलेशन 6 मिलियन से भी ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। जैसे मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाए, और इंस्टॉलिंग प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाए तो आपने प्लगइन्स इंस्टॉल किए होंगे तो आपको पता होगा कि एक्टिव करना बहुत जरूरी है। जैसे इंस्टॉलेशन हो जाए उसको एक्टिव कर लो। अगर आपको पेड में चाहिए, अभी अपन फ्री वाला कर रहे हैं, यानी कि बहुत कम कस्टमाइजेशन हो रहा है, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर फोटो अपलोड करने का कहीं ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, सिग्नेचर अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, और दूसरा तीसरा एक और आता है आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन, यानी कि ये ऑप्शन नहीं आते, तो वो ऑप्शन कैसे लाएंगे, तो उसके लिए आपको पेड परचेज करना बहुत जरूरी, जो कि आपको मैं आगे सिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए फ्री वाले में यूज करते हैं। एक्टिव पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आपका ये WP फॉर्म एक्टिवेटेड हो जाएगा, और जैसे एक्टिव हो जाए तो इसके बाद इसके अंदर पूरी की पूरी प्रक्रिया अपन चला सकते हैं। अब आप देखेंगे तो इस प्रकार का आपके सामने डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पे हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म विथ WP फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो भी मिल जाएगा इसके अंदर। लेकिन अभी अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन खुद पूरा का पूरा क्रिएट करेंगे। अगर आप इसको परचेज करते हैं तो 199 रुपये का आपका ये पड़ता है, यानी कि $199 का, रुपये का नहीं डॉलर का पड़ता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो इतना महंगा खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पैड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, वहाँ जाके 99 रुपये के अंदर आप पूरा का पूरा परचेज कर सकते हो 100 से भी ज़्यादा प्रो पैड एप्लीकेशन, यानी कि प्लगइन्स। अब अपन क्या करेंगे कि फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म क्रिएट के लिए आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड के अंदर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, और इसके अंदर आप देखेंगे तो टेम्पलेट्स के नीचे WP फॉर्म का नजर आ रहा है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने WP फॉर्म इस प्रकार खुल के आ जाता है। अगर आपको पहले से बने हुए चाहिए तो भी ले सकते हो, और क्रिएट करना है तो भी कर सकते। अपन अभी क्रिएट करें, क्रिएट योर फॉर्म। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक थोड़ा सा क्रिएट करने का एक पूरा का पूरा डैशबोर्ड खुल के इसके अंदर आ जाता है। ये WP फॉर्म का लोगो है, और WP फॉर्म के द्वारा कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अगर पेड लोगे तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि इसमें अपनी मनपसंद के अनुसार कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और अगर आप पेड लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, बहुत कम रेट के अंदर मिलता है। अगर आप इसमें लेने जाओ $199 का है, तो समझ सकते हो आपको बहुत ज़्यादा बजट हो जाए, इतना बजट अपने पास होता नहीं। अब चलिए आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड जैसे खुलेगा तो अब आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार का डैशबोर्ड। अब इसके अंदर क्या करना है, अब आपको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर काम करना है। जैसे आप देखेंगे तो इसके अंदर प्रो भी है, फ्री भी है, तो अपन अभी लेते हैं ब्लैंक, क्योंकि अपन खुद क्रिएट करेंगे इसको। अभी हमारे पास कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना हुआ नहीं, तो अपन ब्लैंक को लेते हैं।
आपको क्यों क्रिएट करना है। जैसे मैं ब्लैंक को क्रिएट करूंगा तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल के आएगा, जो कि क्रिएट करने के लिए पूरा का पूरा ब्लैंक प्लेटफॉर्म खुल के आपके सामने तैयार होता है। जैसे कि आपको राइट साइड के अंदर दिखाई दे रहा है इस प्रकार, ये आपका डैशबोर्ड आएगा। अब आपको लेना क्या क्या है, अभी हम फ्री वाला यूज करें तो अपन अभी कुछ भी ले सकते। फिलहाल मैं लेता हूँ सबसे पहले नेम को, तो मैं नेम को यहाँ पे ड्रैग लिस्ट किया तो यहाँ पे नेम आ चुका है। अब नेम के बाद आपका आता फादर नेम, तो आपको इसी को डुप्लीकेट कर दो, यहाँ पे जाओ इसके ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट कर दो। फिलहाल डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद आप देखेंगे तो इसके अंदर भी नेम कॉपी पीछे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नेम आ रहा, तो आपको करना कि इसका नाम को ही चेंज कर दो। नेम कॉपी इसकी जगह लिख देते हैं आपका फादर नेम, आपको यहाँ पे टाइप कर देना है तो फादर नेम, और फादर नेम टाइप करने के बाद ये रहेगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फादर नेम हो गया, पहला आपका नेम फादर नेम। अब उसके बाद और क्या दर्शाना, तो ऐड फील्ड पे क्लिक करो वापस। अब माना कि मेरे को डेट ऑफ बर्थ दर्शानी है तो आपको यहाँ पे देखो लिख ले सकते, लेकिन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखें तो बहुत हाइड है सब। इसको करने के लिए आपको पैड लेना, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये पूछ रहा है कि फ्री वाला यूज नहीं कर सकते, पैड लेना पड़ेगा, लेकिन अपने पास तो पैसे है नहीं, खर्च करने वाले है नहीं, तो अपन थोड़ा सा फोगट का यूज़ कर लेते। अपन को इसमें देखने की आवश्यकता नहीं, सीधा अपन को जाना यहाँ पर। अब आपको डेट ऑफ बर्थ खुद टाइप करवाना है तो आपको यहाँ पे लेना सिंगल लाइन टेक्स्ट, इसको उठा के नीचे यहाँ पे ड्रैग कर दो, नीचे कर देते। जैसे यहाँ पे करेंगे क्लिक करो, अब यहाँ पे टाइप कर दे डी ओ बी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आएगी, आप खुद टाइप कर सकते हो इसके अंदर। उसके बाद ये करने के बाद अगला आता है ईमेल आईडी, वापस यहाँ पे जाओ। अब इनमें ईमेल का तो ऑप्शन दे रखा, तो सीधा ईमेल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ से। जैसे मैं नीचे कर लिया ड्रैग, सॉरी नीचे कर लेते, यहाँ पे पकड़ के इसको ड्रैग, ईमेल आ चुका है। अब ईमेल आईडी कोई भी डाल सकते। अब एक बात ध्यान रखना, जिसको अनिवार्य करना उसके ऊपर देखो टिक लगा हुआ रहा है ये वाला रेड बटन। अब मैंने डेट ऑफ बर्थ भी अनिवार्य करना तो इसके ऊपर क्लिक करो, तो साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में रिक्वायर्ड आ रहा है, इसको क्लिक कर दो, बस ये अनिवार्य हो जाएगा। यानी कि फिक्स है कि इसके बगैर भरे बिना आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। ईमेल आईडी रखना रिक्वायरमेंट तो रख लो, नहीं तो इसको हटा देते, क्योंकि इसको अनिवार्य नहीं। अब ये करने के बाद अब माना कि मेरे को कुछ और भी दर्शाना है, कोर्स के नाम, वापस यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे देखो ड्रैग ड्रॉप डाउन लिस्ट है, मल्टीपल चॉइस है और चेक बॉक्स है, तो अपन यहाँ पे कर लेते फिलहाल ड्रॉप लिस्ट या ड्रॉप डाउन। इसको मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे छोड़ दिया। अब कोर्स के नाम आपको कितने रखना वो आप अपने अनुसार यहाँ पे रख सकते हो, जैसे ड्रॉप लिस्ट में आया। अब इनमें से कौन सा लेना वो आप यहाँ से चूज कर सकते, लेकिन अपन को तो खुद के चाहिए तो यहाँ पे जाके नाम दे दो। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे टैली प्राइम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टैली प्राइम, सेकंड वाले में लिख दिया बेसिक कंप्यूटर, या फिर कोई भी कोर्स के नाम दे दो आपका, जो भी कोर्स आप सेल कर रहे। तो जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कंप्यूटर बेसिक या बेसिक कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पे सर्च और कर लेते हैं, जैसे मैंने RSCIT कंप्यूटर कोर्स के जो भी कोर्स वो मैंने डाल दी। अब आप देखेंगे तो इसके अंदर आपकी लिस्ट पूरी पूरी नज़र आ रही है वाली, ये देखो। अब ये करने देखो नीचे सबमिट का भी बटन, और भी कोर्स जोड़ने तो प्लस पे क्लिक करते जाओ, जिस जितने जोड़ने जाओ इतने जोड़। जैसे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा एक और लिस्ट आ जाएगी। अब इसके अंदर कौन सा कोर्स जोड़ना है, जैसे कि मेरे को जोड़ना जो भी, जैसे ग्राफिक्स, जैसे मैंने जोड़ दिया ग्राफिक्स का, तो ग्राफिक्स का इसके अंदर आ जाएगा। यानी कि ड्रॉप लिस्ट आप तैयार करके सीधा इसको सेव कर लेते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि इसका जो कोड होते हैं शॉर्ट कोड, वो आपको ध्यानपूर्वक इसके अंदर डालना है। कैसे डालेंगे वो भी अपन सीखेंगे, अभी फिलहाल मैंने इतना किया। ये छोटा सा फॉर्म क्रिएट करने के बाद आप कुछ सीधा यहाँ पे इसको भी अनिवार्य कर देते कोर्स को, क्योंकि इसको कोर्स चूज करना अनिवार्य। यहाँ से अगर आपको ये पसंद नहीं है दूसरी चाहिए तो आप ऐड फील्ड पे क्लिक करो, चेकबॉक्स ले लो, मल्टीपल चूज कर लो, जो भी चाहिए चेकबॉक्स कर। इसके नीचे एक और ले लेता मैं चेकबॉक्स, यहाँ पे जब चेकबॉक्स लिया अब आपको क्या करना, इसको चेक करना होता है। जैसे कि मेरे को ये चाहिए तो ये टिक करो, ये चाहिए तो ये टिक करो, ऐसे टिक करना होता है, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं तो फिलहाल मैं वही रखता हूँ। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट किया। अब इसको सेव करते हैं, जैसे सेव करेंगे तो आपके सामने एक एम्बेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा, यानी कि आपका फॉर्म कैसा नजर आता वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं एक और पेज। लेकिन अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं करना, सीधा ये आपको करने के बाद अब एक बात का ध्यान रखना कि कोड कहाँ से मिलेंगे, यानी कि कोड प्रीव्यू पहले चेक कर लेते कैसा दिखता है भाई, क्यों प्रीव्यू चेक करना बहुत जरूरी। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका इस प्रकार ऑप्शन दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरे को इसके अंदर दर्शाना है, जैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जाऊँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर अभी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर अपन ने अभी तक डाला नहीं। तो अपन क्या करेंगे इसको डालेंगे। अब इसके लिए अपन को पूरा सेटअप तैयार करना होता है, सेटअप तैयार करने के बाद ये पूरा तैयार माना कि कर दिया, ये तैयार करने के बाद इसको हम करते हैं यहाँ पे
और भी फील्ड ऑप्शन है, ऐड भी है, मतलब बहुत सारे पड़े, जो जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से चूज करके यूज कर सकते हैं। अब आते हैं सेटअप फाइल के अंदर, ऊपर साइड में लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो सेटअप फाइल है। अब सेटअप फाइल तैयार करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपके यहाँ पे इस प्रकार फॉर्म बन के तैयार है। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो अपन सीखने वाले इसी के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपने चलो मान लिया क्रिएट कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब क्रिएट करने पर इसको रखेंगे कहाँ, कैसे रखें, तो आपको एक एडवांस का ऑप्शन दिखा जनरल के जस्ट बगल में एडवांस, और उसके बाद स्मार्ट लॉक। अपन एडवांस में जैसे जाएंगे तो और भी अगर एडवांस से रिलेटेड कुछ करने हैं तो वो आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं। स्मार्ट लॉजिक जो पहले से बने हुए थे लेकिन इसको पेड है तो अपन अभी खरीदना नहीं, अपन फ्री वाला यूज़ करें, तो अपन खरीद के भी चेक करेंगे कैसे होता है, किस प्रकार होता है, वो भी अपन इसको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले। अब ये क्रिएट करने पर इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देते। अब इसके शॉर्ट कोड कहाँ मिलेंगे, आपने जैसे बैक किया तो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट कोड का ऑप्शन मिलता, इसको क्या करना है यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से राइट क्लिक करके सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर देते। कॉपी करने के बाद अब आपको काम, देखो पहले आपने पूरा क्रिएट किया उसके बाद बैक किया, बैक करने के बाद यहाँ से एक शॉर्ट कोड को कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद सीधा आपको किसके अंदर रखना, पेज के अंदर जाओ। अब पेज के अंदर भी कौन सी जगह रखना है वो आपको ध्यान में होना, जैसे कि मेरे को रजिस्ट्रेशन के अंदर रखना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर दो। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, तो एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करना है, और ये करने के बाद अब इसके अंदर आपको शॉर्ट कोड पेस्ट कर देना, बस इतना काम करना सरल तरीके से। ये आप आराम से कोई भी बिल्डर कर सकता है। आप अगर बिना कोडिंग की वेबसाइट सीखना चाहते हो या फ्री वेबसाइट सीखना चाहते हो तो इसी चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जो फ्री भी मिलेगी पेड भी मिलेगी। अब यहाँ पे जाएंगे तो आप जैसे क्लिक करेंगे वही ब्लैंक पेज आपको लेना, पहले खाली पेज, आप खाली पेज लेंगे तो इसके अंदर आप टाइटल दे दो, जो कि जो भी देना, जैसे कि मेरे को देना है कि सबमिट फॉर्म, कुछ भी देना, और नहीं देना तो सीधा कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करो या फिर आप यहाँ पे जाके क्लिक। अब यहाँ पे काम करना शॉर्ट कोड को सर्च करना, शॉर्ट कोड, जैसे शॉर्ट कोड सर्च किया इसको यहाँ पे इसके अंदर रखना है। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट कोड को पेस्ट करना जो आपने अभी कॉपी किया था, और यहाँ पे कर देते अपडेट। ये करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, बस आप वेबसाइट के अंदर जाके चेक करो कौन सी वेबसाइट थी, यहाँ पे जाओ, अब रिफ्रेश करो। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म नजर आएगा इस प्रकार का। ये देखो सिंपल तरीके से किसी भी तरीके का फॉर्म क्रिएट कर, आप जो भी चाहिए वो आप कोर्स यहाँ से चूज कर लो और इनमें से आपको सबमिट करना। ध्यान रखना नाम भरना अनिवार्य, जैसे मैंने यहाँ पे भर दिया CWA, उसके बाद भर दिया मैंने CWA वर्डप्रेस, वर्डप्रेस, उसके बाद फादर नेम दे दिया बिना कोडिंग, बिना कोडिंग वेबसाइट, बिना कोडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर डेमो लिख रहा हूँ ऐसे। अब डेट ऑफ बर्थ आप खुद जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था कि ये डेमो है, तो अपन यहाँ पे कोई भी डेट डाल दे, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया ये, और उसके बाद यहाँ से ये कर दिया, उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे 2024 जो भी आपकी जन्म, आप खुद को टाइप करना है क्योंकि ये अपने मैन्युअली टाइप करना अनिवार्य है। ईमेल आईडी है नहीं, भरना तो भर दो, नहीं भरोगे तो भी चलेगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म ये आपका सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि इस प्रकार आप सबमिट फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं।